दोस्तों कुछ सप्ताह पहले हमने रोशेंग से सुना था कि अब की बार गैलेक्सी नोट 20 में एक LTPO डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होगी जो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच वेरी कर सकती है। और दोस्तों जो LTPO डिस्प्ले होती है वो LTPS डिस्प्ले के मुकाबले फोन को 15-20% ज्यादा बैटरी बैकअप देती है। तो लोग इस चीज से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सिर्फ गैलेक्सी नोट फैमिली में होगी और किसी भी कंपनी को नहीं मिलेगी, एटलीस्ट इस साल के लिए। तो क्योंकि सैमसंग जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसे अपने पास कम से कम 6 महीने रखता किसी दूसरी कंपनी को दिए बिना। पर दोस्तों अब ये न्यूज निकल के आ रही है कि सैमसंग इस नई टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने गैलेक्सी नोट 20 प्लस में ही देगा। दोस्तों रोशियंग के मुताबिक ये जो नई LTPO डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होगी ये गैलेक्सी नोट 20 के छोटे मॉडल में नहीं होगी और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले भी नहीं होगी। दोस्तों वो कह रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के छोटे मॉडल में सिर्फ LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होगी और वो भी सिर्फ 60 हर्ट्ज के साथ ही। अब की बार सिर्फ गैलेक्सी नोट 20 प्लस को ये 120 हर्ट्ज के साथ LTPO डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलेगी। और दोस्तों रोशियंग ये कह रहे हैं कि इस मूव को लेने का मेन कारण इसकी कॉस्ट कम करना, क्योंकि 120 हर्ट्ज के साथ LTPO डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और इसी कारण वो सिर्फ इसे अपने फ्लैगशिप के लिए रखना चाहते हैं जिसकी प्राइस लगभग $1200 के करीब होगी। तो यहाँ पे ये तो अच्छी बात है कि सैमसंग ने अपने पीछे की सेल्स से ये लेसन तो ले लिया कि सभी कंज्यूमर्स को डिवाइस में सब कुछ हाई नहीं चाहिए, और जिसमें सैमसंग डिवाइस में सब कुछ दे देता और डिवाइस की बहुत ही ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो एक कम एक्सपेंसिव गैलेक्सी नोट 20 के मॉडल के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए जो नोट लाइनअप की प्रीमियमनेस तो एंजॉय करना चाहते हैं पर उसके लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते। पर दोस्तों ऐसे लोगों के लिए तो सैमसंग के पास गैलेक्सी नोट 10 लाइट लाइनअप भी तो है। तो मेरे ओपिनियन में तो ये नोट 20 उन लोगों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं लगता जब तक कि वो इसकी प्राइस $750 से $850 के बीच ना रखे। और जो गैलेक्सी नोट सीरीज के हार्डकोर फैंस हैं वो तो इस गैलेक्सी नोट 20 की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें सब कुछ लेटेस्ट एंड हाई टेक चाहिए जो उन्हें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। और गैलेक्सी नोट 20 प्लस ही वो मॉडल है जहाँ पे उन्हें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। और दोस्तों रोशियंग ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के प्रोसेसर के बारे में भी कंफर्म कर दिया। US, चाइना और कनाडा में स्नैपड्रैगन 865 होगा और बाकी की कंट्रीज में जिसमें हमारा इंडिया भी आता है एक्सिनोस प्रोसेसर होगा। दोस्तों ये जो नया एक्सिनोस 992 है ये 6 नैनोमीटर के प्रोसेस पे बना और जो स्नैपड्रैगन 865 है वो 7 नैनोमीटर पर। तो ये एक्सिनोस 992 स्नैपड्रैगन 865 से बेटर है। पर दोस्तों जब हम स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस की हिस्ट्री को देखते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ये दोनों प्रोसेसर्स इक्वल परफॉर्मेंस ही देने वाले। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना।